नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इस साल के यूपीएससी मेंस 2019 के क्वेश्चन पेपर में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस देखे गए और उन क्वेश्चंस को लोडेड क्वेश्चंस कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लोडेड क्वेश्चंस होते क्या हैं और उस पर हुई कंट्रोवर्सी एक तरीके से किस तरीके से गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों, लोडेड क्वेश्चन के कारण कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जिस पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यूपीएससी की न्यूट्रैलिटी को कॉम्प्रोमाइज होने का दावा किया जा रहा था कई लोगों के द्वारा, लेकिन वो सारे के सारे क्लेम एक तरीके से झूठे निकले हैं और यहाँ पर लोडेड क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है एक तरीके से लोगों के सामने आया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लोडेड क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। आई होप आप इसे एंड तक देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे कानपा एजुकेशन फेसबुक पेज को लाइक करें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को पाने के लिए, डेली नोटिफिकेशन के लिए उसकी, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें हमें एक्चुअली मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, ताकि हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स आपके लिए लेते रहें। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की कि लोडेड क्वेश्चन एक्चुअली में होते क्या है। तो लोडेड क्वेश्चन में एक्चुअली दोस्तों दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला वो कि वो एक ट्रिकी होता है और दूसरा ये कि उसमें जो फैक्ट दिया होता है वो जो फैक्ट होता है वो रॉन्ग फैक्ट होता है, यानी एक तरीके से झूठी इन्फॉर्मेशन होती है और झूठी इन्फॉर्मेशन पर आपको ट्रिक में घुमाने के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको लोडेड क्वेश्चन कहा जाता है। ये दोस्तों 2019 के मेंस के एग्जाम के बाद ही आना चालू हुए हैं। इससे पहले जो भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता था मेंस में, उन क्वेश्चन में हमेशा जो स्टेटमेंट या फैक्ट देता था वो हमेशा करेक्ट होते थे। स्टेटमेंट या फैक्ट हमेशा करेक्ट होते थे, कभी भी गलत नहीं होते थे। लेकिन इस साल से स्टेटमेंट और फैक्ट को गलत देकर भी यूपीएससी ने लोडेड क्वेश्चन करके पूछना शुरू कर दिया है। और इसीलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले आप स्टेटमेंट को करेक्ट मान लेते थे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते और उसके बारे में कुछ अच्छा लिख देते थे तो एक दो नंबर तो मिल ही जाते थे। लेकिन अब अगर आप उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है, और आप उसको एक्चुअली ऐसे मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट मान के आप उसके फेवर में लिखना शुरू कर देते हैं जो कि आपको लिखना नहीं चाहिए था, तो यहां पर यूपीएससी आपको पहले जो एक दो नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी थी अब वो पॉसिबिलिटी यहां पर भी खत्म हो चुकी है, आपको सीधे जीरो मिलेंगे। और इसीलिए ये जो कंसेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है आज के यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों, ये जो ट्रिक है लोडेड क्वेश्चन की, ये कोई नई ट्रिक नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इसको ऑलरेडी एडवोकेट्स और जर्नलिस्ट कई बार यूज़ कर चुके हैं। यानी एडवोकेट जब जज के सामने आपसे सवाल पूछता है तब इस ट्रिक का इस्तेमाल अक्सर वो करता है, और जर्नलिस्ट भी इंटरव्यू में या मीडिया जब आपसे सवाल करती है तो कुछ इसी तरीके के लोडेड क्वेश्चंस वो आपके सामने डालती है। उसमें जो फैक्ट होता है वो रॉन्ग होता है और उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। सपोज कीजिए आप कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और आपको कोई मीडिया मिल गई, या ये सपोज कीजिए कि आप कोर्ट के अंदर है और वकील आपसे सवाल कर रहा है, आप किसी रेप केस में एक तरीके से विटनेस के तौर पर गए हुए हैं, तब आपसे डायरेक्टली जज जो वकील है वो ये पूछ सकता है, या आप इंटरव्यू दे रहे हैं जर्नलिस्ट के सामने तो वो ये पूछ सकता है कि हाउ डू यू नो द अक्यूज्ड विच इज अरेस्टेड फॉर द रेप। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक जो है वो क्या है, एक तरीके से यहाँ पर ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन के थ्रू जो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप उस रेप अक्यूज्ड को जानते हैं या नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली जो है एक तरीके से वकील या फिर जर्नलिस्ट आपसे ये जानना चाहता है, लेकिन वो आपसे ऐसा सीधे करके नहीं पूछ रहा कि आप जो अक्यूज्ड बंदा है उसको आप जानते हैं या नहीं जानते। वो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ पर रॉन्ग फैक्ट जो है वो ये है कि आप जो हैं अक्यूज्ड को जानते हैं। हो सकता है कि आप अक्यूज्ड को ना जानते हो, आपने देखा किसी लेडी का रेप हो रहा है, आपने उसके साथ कंप्लेंट की और उसके विटनेस बन गए, और उसके बाद से उस लेडी ने उसको आइडेंटिफाई किया यहाँ पर अक्यूज्ड को, उस अक्यूज्ड को आप जानते ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर रॉन्ग प्रेजम्पशन के बेस पर वकील ने ऐसा
पूछ लिया। और यहाँ पर वकील को ऐसा पता होगा कि आप उसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है ताकि यहाँ पर आपके मन में जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको वो ठीक से ऑथेंटिकेट कर पाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोर्ट केसेस में, और दूसरे जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो काफ़ी चालाक जर्नलिस्ट होते हैं, वो इसको और भी अलग तरीके से पूछते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं लोडेड क्वेश्चंस, और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। आइए उसको हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया है हमारे इस मेंस 2019 के क्वेश्चन पेपर में। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि यूपीएससी ने किस तरीके से लोडेड क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला वाला वो GS1 का है, और जो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा GS3 का है। यहाँ पर GS1 में पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारे देश के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने में क्या क्या चैलेंज हमें एक तरीके से देखने पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेक्युलरिज्म जो है एक तरीके से हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का कोर कंसेप्ट है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर भी मान लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पर हमारा जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो एक तरीके से दूसरे देशों के सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट से काफ़ी अलग है। हमारे देश का सेक्युलरिज्म ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने जो धर्म है या अपना जो रिलीजन है, रिलीजन प्रैक्टिस को पूरा करने की छूट है, और एक तरीके से यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब किसी भी धर्म के व्यक्ति को उसके रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये फैक्ट है, हमारा देश का जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है वो ये है, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से इसको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में चैलेंज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन एक तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, और यूपीएससी ने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। यही दोस्तों है हमारा लोडेड क्वेश्चन। और अब आपको मैं बताता हूँ कि पहले जो यूपीएससी क्वेश्चंस देती थी उसके अगर स्टेटमेंट करेक्ट होते थे, आप मान लेते थे कि करेक्ट स्टेटमेंट है, मान के चलते ही थे लोग अक्सर कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग लिखते थे, तो उनको पूरा अच्छा आंसर ना होने के बावजूद भी 1, 2 या 3 नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी होती थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस गेम में आ जाते हैं, लोडेड क्वेश्चन आप नहीं पहचान पाते, तो आप अगर इसके फेवर में लिखना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ कमियों को दिखाएगा जो यूपीएससी कतई एक यूपीएससी एस्पायरेंट में नहीं चाहता। ये आपको ये दिखाएगा कि आप एक अपॉर्चुनिस्टिक हैं, आप एक सेल्फिश हैं, आपने जैसा सिचुएशन मिला उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपने ना ही नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचा, ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है उसके बारे में सोचा, स्टेटमेंट को आपने सही मान के, आपको ये पता होते हुए भी कि ये जो चीज़ है ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, उस चीज़ को मानते हुए भी आपने स्टेटमेंट का विरोध नहीं किया, आपने जो रियल फैक्ट है उसका विरोध नहीं किया और ऐसा लिखना शुरू कर दिया। तो ये आपको एक तरीके से जो एथिकल वैल्यूज़ हैं आपकी उस पर सवाल उठाता है, और अगर आप इसके फेवर में लिखते हैं, अगर आप इसका विरोध करके लिखते तो वो आपका आंसर सही होता, और यहाँ पर एक तरीके से किसी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ नहीं भी पता लेकिन उसको अगर ये बात ध्यान आती है, उसमें गलत चीज़ का विरोध करने का अगर एबिलिटी है और वो अगर यहाँ पर ऐसा लिखता तो उसके जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के वो काफ़ी अच्छे होते। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है, ज़्यादा नॉलेज का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट में होना क्या चाहिए वो उसको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को वो सही कर देता। साथ ही दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डू यू एग्री विद द व्यू डेट स्टडी GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी जो है एक अच्छी शेप में है, क्योंकि जो GDP में है ग्रोथ वो स्टडी है, यानी लगातार है, उसमें ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो भी कम है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ये जो फैक्ट है कि स्टडी GDP ग्रोथ रेट है और लो इन्फ्लेशन है, ये दोनों के दोनों ही एक्चुअली गलत हैं। हमारे देश में जो GDP का ग्रोथ रेट है वो किसी भी तरीके से लगातार नहीं है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन
देखने को मिल रही है। तो दोस्तों स्टडी का मतलब यही होता है कि वेरिएशन ज़्यादा देखने को ना मिले और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ बनी रहे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि कभी हमारी जीडीपी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक तरीके से स्टडी ग्रोथ रेट तो कभी भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 5.5% पे अभी हम आ चुके हैं, उससे पहले हम एक तरीके से 5.6 पे थे, फिर 6.7 समथिंग थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एक तरीके से कांस्टेंट है और धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो फैक्ट है नहीं, इन्फ्लेशन कहा गया है लो है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन जो है अगर हम CPI के थ्रू मेज़र करें या WPI के थ्रू मेज़र करें तो हर बार अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। कई बार देखा जाता है कि WPI वाला इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो CPI वाला उसी समय इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो किसको सही माने ये एक हमेशा कंट्रोवर्सी की चीज़ रहती है। अनियन और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के दाम हमेशा बढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से, पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस के रेट को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो पूरी तरीके से हमारे जो रियल इकोनॉमी है उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। अब दोस्तों आप क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं और इसके फेवर में लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप भी यहाँ पर जो आप में एक कैरेक्टर जो होना चाहिए, आपका एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए IAS बनने के लिए, UPSC जान जाएगा कि आप में वो नहीं है, आप जो है किसी भी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने के लायक नहीं है। तो इन दो क्वेश्चन जो थे ये दोनों लोडेड क्वेश्चन थे और ये किस तरीके से आपके एक्चुअली आपके इनसाइट को देखने के लिए, UPSC आपके इनसाइट को चेक करने के लिए दिया, वो काबिले तारीफ़ है UPSC की तरफ से। और इस पे होने वाली जो भी कंट्रोवर्सी है, काफ़ी कुछ ख़राब वर्ड कहे गए थे UPSC को, वो सारे के सारे जो एक तरीके से इल्ज़ाम है काफ़ी गलत है। और यहाँ पर रियल इंटेंशन जाने बिना इस ऑर्गेनाइजेशन का इसके बारे में ऐसा कहना काफ़ी गलत है। तो आई होप आप उन सब अफवाहों में नहीं जाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और UPSC जो है एक काफ़ी न्यूट्रल और जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों अब आपने लोडेड क्वेश्चन तो समझ लिया, लेकिन UPSC जो पहले क्वेश्चंस पूछती थी और जो आज के समय में पूछ रही है उनमें डायरेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल वो करती आई है, जैसे एग्जामिन, इवेल्युएट, वेरीफाई, क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरीके के। और दोस्तों इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था जब हम 2018 के UPSC मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीरीज बना रहे थे। आज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा देखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हम जल्द ही UPSC 2019 की सीरीज लेकर आने वाले हैं और उसमें मैं इन चीज़ों का दोबारा से आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको रिवाइज करके रख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा 2019 के मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो का एंड और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर कीजिए। जो भी UPSC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई थी, कुछ लोगों ने जो अफवाह फैलाई थी वो पूरी तरीके से गलत है, और आपके इस शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति को ये बात पता चल जाए कि वो सब अफवाह थी, गलत बातें थी, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।